हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है रुबीनास किचन में। आज हम बनाएंगे हरे मटर की ट्रेडिशनल पूड़ी, जो कि बहुत ही इजी तरीके से मैंने दिखाया है इसे बनाना, और हर कोई इसे आसानी से बना सकता है। आइए चलिए बिना देर के हुए इसके बनाने का तरीका देखते हैं। इसके लिए मुझे सबसे पहले मटर को छील कर साफ कर लेना है। जब इसके छिलके उतार लेंगे, तब हम करीब 250 ग्राम मटर लेंगे। 250 ग्राम मटर को हमने छिलका उतारने के बाद इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, और करीब इसमें 3 से 4 हरी मिर्च, मिर्चे के लिए चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इस मिर्चे का यूज़ हम करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद इसे हम बघार लगाएंगे। तो मैंने पानी में अच्छे से इसे धो लिया है हरे मटर को, कीड़े वीड़े कुछ ना रहे, इसके अंदर की गंदगी सारी हटा ले। 3-4 पानी धोने के बाद मैंने एक कढ़ाई या पैन में तेल गरम कर लिए। तेल भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, करीब 2 टेबल स्पून मुझे तेल लेना है, और उसमें मुझे 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर देना है। तो ये मैंने 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर दिया इसके अंदर। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तभी आप ऐड करिएगा। और इसमें मैंने एक छोटा सा प्याज कट करके ऐड कर लिया है, बारीक कटिंग किया है। और जब ये हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाएगा प्याज का, तब मुझे इसमें ऐड करना है, अच्छी तरीके से चलाते हुए मुझे इसका कच्चापन निकाल लेना है। हल्का सा सॉटे हो जाएगा तब हम इसमें नमक और हल्दी ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी लिया है। अब हमें इसके अंदर डालना है वो जो मैंने हरी मिर्च लिया था, उसे बारीक कट कर दिया है मैंने। 3 से 4 हरी मिर्च इसके अंदर लगेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं होता है, इसलिए हम ज़्यादा मिर्ची का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको और ज़्यादा कड़वा बनाना है तो आप इसके अंदर और भी मिर्ची ऐड कर सकती हैं। तो अब हमने इसके अंदर मटर ऐड कर दिया है, और अच्छी तरीके से चलाते हुए हम इसे गला लेंगे। तो ये करीब 10 से 15 मिनट लगेगा इसे गलने में। आप चाहे तो इसे कुकर में भी गला सकती हैं। और ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है 1/2 कप, ताकि एकदम सॉफ्ट हो जाए। और जब ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा तो इसे हम ढक्कन से कवर कर देते हैं सॉफ्ट होने के लिए। तो अब 15 मिनट बाद ही हम इसे देखेंगे। ये देखिए, 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, और पानी भी बहुत थोड़ा बचा है। तो इसे हम चलाते हुए इसके पानी को भून लेंगे अच्छी तरीके से। जब इसका पानी सूख जाएगा तब हमें इसे ग्राइंडर जार में डाल के पीसना है। तो अगर आपको पूड़ी को थोड़ा सा मीठा बनाना हो, क्योंकि मटर आजकल रूखा चल रहा है, तो हम इसमें करीब 2 टीस्पून शक्कर ऐड करेंगे, ताकि हमारी पूड़ी और भी ज़्यादा मीठी बन जाए। अगर आपका मटर मीठा है तो शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये शक्कर मैंने, मेरे मटर मीठा नहीं था इसलिए मैंने ऐड किया है। या आपको और ज़्यादा मीठा पूड़ी तैयार करना है तब आप शक्कर डालिएगा। और ये बनके रेडी हो चुका है। तो अब इसके ठंडा होने का हम इंतज़ार करेंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो ग्राइंडर जार में डाल के मुझे पीस लेना है। तो ये नॉर्मल आटा मैंने ऐड डो लगा लिया है, और इसका एक हम रोटी की तरह ही लोई ले लेंगे, और इस तरह से गहरा करके हम उसके अंदर पूरा फुल 1 चम्मच स्टफिंग इसका डाल देंगे, मटर का जो मैंने पीसा था। ठंडा होने के बाद आप चाहे तो इसके अंदर धनिया पत्ती भी ऐड कर सकती हैं, अगर आपको पसंद हो तो। वैसे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, स्टफिंग में डाल देने से थोड़ा इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो इस तरह से चुनते हुए मुझे, जैसे नॉर्मल पूड़ी का लोई हम तैयार करते हैं उसी तरह तैयार करेंगे। तो इसका मुँह बंद करने के बाद इस लोई का हम इसे बेलेंगे, और बेल करके हम इसे सेक लेंगे। तो देखिए, इस तरह से बेलने के बाद इस तरह से हल्का सा पुश करके हम पूरी तरफ इसका स्टफिंग फैला देंगे, और हल्का सा इसमें सूखा आटा लगाने के बाद हम इसे बेलेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से जैसे एक आलू की पूड़ी को बेलते हैं वही गेज रखना है मुझे, और उसी तरह से ही हम बेलेंगे। आपको अगर छोटा पसंद हो तो छोटी पूड़ी बनाएं, बड़ा पसंद हो तो बड़ी पूड़ी बनाएं, और इसे बिल्कुल रोटी की तरह ही सेक कर फुला लेंगे हम। तो चलिए अब हम इसे तवे पर डालते हैं। मेरा तवा गर्म हो चुका है, और ये एक तरफ से बिल्कुल सेक चुका है, दूसरी तरफ से भी मुझे सेक लेना है। और ये अच्छी तरीके से जब रोटी की तरह सेक जाए दूसरी तरफ से भी, तब हमें इसे पलट के फुला लेना है। ये देखिए, कपड़े से पकड़कर
आप इस तरह से इसे फुला लें, बिल्कुल आसानी से फूल जाता है जिस तरह से रोटी फूलता है। और अब इस हिस्से पे हम पलट करके इसमें घी लगा लेंगे। तो अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं घी से। आपको अगर मक्खन पसंद हो तो मक्खन से भी लगा के कर सकती हैं, बहुत टेस्टी ये बनता है। फ्रेंड, अगर आपने सर्दियों में ये पूड़ी नहीं बनाई तो फिर बेकार है आपकी सर्दी, क्योंकि इस सर्दी अगर आपने ये पूड़ी अगर ट्राई किया खाया तो आप हर सर्दी इसे ज़रूर बनाएंगे। जब भी मटर का सीज़न होगा सबसे पहले यही पूड़ी बनाकर आप खाएंगी। तो अगर आपको हमारी पूड़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड मुझे लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड, बाय।